नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। जनपद कानपुर देहात के मांगटा में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिला के परिवार जनों का आरोप है कि बीती रात ग्राम की शौचालय गई महिला के साथ ग्राम के कुछ लोगों ने अभद्रता की और तेजाब को चेहरे पर फेंक दिया, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं जिला अस्पताल से महिला को कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है। वहीं जिलाधिकारी राकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। कुछ अराजक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किन्होंने किया ये काम बताओ। जब वो खुद बताएंगे हम बेहोश भी नहीं है। मतलब गांव के अपना आदमी थोड़ा नहीं करेगा, वहीं पे ठाकुर ने किया है। और कोई नहीं है, और पुलिस वहाँ क्या कर रही है? जो पीएससी लेटी है और जो बुलाया था वो पास नहीं आई। धीरे धीरे थोड़ा देर। अच्छा अच्छा, मतलब पुलिस प्रशासन दबा रहा आप लोगों को? बोलो, खुल के बोलो, मैं डरो ना किसी से। डीएम साहब ने बताया कि आज की जो सूचना मिली थी उस सूचना में लगातार लोगों ने अफवाह फैलाने का पूरा प्रयास किया। शुरू में तेजाब डालने की बात करी गई, फिर उसके बाद आरोप लगाया गया कि बलात्कार किया गया। सभी चीज़ों की खंडन पुलिस द्वारा किया गया, जिला प्रशासन द्वारा किया गया, और महिला ने अपने बयान में खुद कहा कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। जहाँ तक बात है कि उसने कहा कि उसके चेहरे पर किसी ने उसको पकड़ के कुछ एक जहर जैसा डाला है, इस बात का मेडिकल एग्जामिनेशन हैलेट में महिला को रेफर किया गया, वहाँ पर हो रहा है। साथ ही हमारी पूरी सोशल मीडिया की टीम और हमारी इंटेलिजेंस इस चीज़ पे काम कर रही है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे लोग हैं कि जो इस घटना को अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दूसरा रूप दे रहे हैं, अफवाहों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पिछले प्रकरण में जैसे मुकदमा लिखा गया था, कार्रवाई अब इस तरह के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई अब हम शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी कार्रवाई इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। और क्या मंशा है, कौन लोग उनको ये कह रहे हैं, कौन लोग समझा रहे हैं, इस सभी बातों पे हमारी पूरी नज़र है। गांव में पुलिस बल डिप्लॉयड है, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है, और जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। 13 तारीख के बाद से कुछ लोग एक्टिवेट हुए गाँव में। 13 तारीख के बाद से पूरी शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई भी हिंसात्मक कोई बात नहीं प्रकाश में आई थी। और जैसा मैंने बताया कि जनपद के बाहर के कौन व्यक्ति इसमें पूरा अपना इंटरेस्ट लेके कुछ गलत बातें लोगों को बहकाना चाहते हैं, कुछ इसमें अफवाह फैलाना चाहते हैं, अब उन पे कार्रवाई पुलिस करेगी। और जैसा कि आज मैंने बताया कि कुछ इसमें पूछताछ भी की जा रही है कुछ लोगों से, और हम लोग पूरा इसमें सर्विलांस के साथ एक्टिव हैं। और जल्दी ही इसमें जो भी इस घटनाक्रम के पीछे की जो सच्चाई है, आज जो घटना रिपोर्ट हुई है, इस घटनाक्रम के पीछे की जो भी सच्चाई है, इसमें जो भी लोग हैं, इस चीज़ को पुलिस पर्दाफाश करेगी। और जो झूठ लोगों के द्वारा तेजाब फेंकने वाली जैसी बात फैलाई जा रही है, इसका मैं फिर से खंडन करता हूं। और इस तरह की कोई भी बात अगर किसी के द्वारा फैलाई जाएगी तो अब पुलिस सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई। कानपुर देहात से केकेडी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।